राम राम जी, आज मैं आपके लिए लाई हूँ नई सी रेसिपी सांभर। आइए आप भी वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए। इसके लिए हमें चाहिए अरहर की दाल 1 कटोरी, घिया, गाजर, टमाटर, बैंगन। इनको हम दाल जब उबलने रखेंगे उसके अंदर ही काट कर घेर लेंगे ताकि ये दाल के साथ पक जाएं। चलिए रखते हैं दाल को उबलने के लिए। और बाद में हम भिंडियाँ हैं जो हमारे पास, ये इनको हम फ्राई करके इसी दाल में डाल देंगे। फिर चलिए अब इन सब्जियों को हम काट लेते हैं। चलिए इनको अभी दाल रखती हूँ मैं और उसमें कुकर में ही इसको डाल देंगे। अभी मैंने कुकर में दाल डाल दी है और अपने हिसाब से आप जैसे ही दाल लेंगे उसके हिसाब से ही पानी लेना। मैंने अपने हिसाब से पानी पाया और दाल पाई। इसमें नमक डाल दिया, थोड़ा सा तेल डाल दिया और अब हम इसमें ये कटी हुई सब्जी डाल देंगे। और आप इसमें बस 2 सीटी लगवाना, ज़्यादा नहीं। अब हम भिंडी को भी काट लेंगे। भिंडी को हमने कुकर में इसलिए नहीं पाया कि उसमें घुल जाएगी। हम इसको अलग से थोड़ा हल्का सा फ्राई करके फिर डाल देंगे। अभी मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम जो भिंडियाँ काट रखी हैं उनको फ्राई कर लेंगे। अभी भिंडियाँ फ्राई हो गई, इनको हम निकाल लेंगे। तड़का मारने के लिए हमें चाहिए राई, कड़ी पत्ता, अदरक का पेस्ट, बारीक कटा हुआ प्याज, इमली भिगो रखी है मैंने, और ये हींग और सबूत मिर्च। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। अब इसमें राई डाल देंगे हम। इसमें हम कड़ी पत्ता डाल देंगे और अभी सूखी लाल मिर्च, इसको भी हम भून लेंगे। और अभी इसमें डाल देंगे हम हींग। अब इसको भी थोड़ी देर भून लेंगे। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। अब ये भुन गया है मसाला, अब इसमें हम नमक डाल देंगे, लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी। सांभर मसाला थोड़ा सा पानी। अब ये मसाला भुन गया है, इसमें हम दाल डाल देंगे। और ये फ्राई की हुई भिंडी भी डाल देंगे। और ये इमली का पानी, इमली को हमने भिगो दिया था, फिर इसको अच्छी तरह से इसके अंदर पानी निकाल दिया इसका। अब इसको लगभग 5 मिनट के लिए पकने देंगे। अब ये बनकर बिल्कुल तैयार है। चलिए इसको सर्व करते हैं।